Assalamualaikum everyone, क्या हाल चाल है आप सबके? I hope you all are having a wonderful day. Welcome back to my YouTube channel and a new vlog. आज हम एक बहुत मजे का काम करने वाले हैं. If you are a coffee lover like me, या अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं Instagram पे या यहाँ पे YouTube पे, तो you guys must know कि मुझे कॉफ़ी का कितना शौक है. तो आज जो है मैं अपना कॉफ़ी स्टेशन जो है या कॉफ़ी टेबल जो है उसको एक रिवैम्प करने वाली हूँ, उसका मेजर रिवैम्प करने वाली हूँ. वो बहुत गंदा हुआ है, तो मैंने सोचा है कि उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा डिकोर करते हैं, थोड़ा सा मोर प्रेजेंटेबल करते हैं. तो मैं आपको पहले उसकी हालत दिखाती हूँ क्या हुई भी है, और फिर हम मिल के उसको अच्छा बनाते हैं, सजाते हैं. तो लेट्स गो. सो गाइज, अभी पाकिस्तान से वापस आने के बाद ना लिटरली ये कंडीशन है मेरे कॉफ़ी स्टेशन की. इट्स सो मेस्ड अप, सो मेस्ड अप. और मुझे लगता है कि मेरे पीछे रानी है, प्लीज़ गेट अ साइड. कॉफ़ी पॉट्स अवैस ने कॉफ़ी शॉफी बनाई होगी, तो ये फ्रॉदर भी ना ऐसे खुला हुआ पड़ा हुआ है, और इस वाली कॉफ़ी मशीन का ये लिड उतरा हुआ है. मतलब अवैस ने सही, वो जैसे कहते हैं ना, बड़े घर नहीं होते तो बच्चे खुल खेलते हैं, तो अवैस ने भी खुल खेला. तो इट नीड्स अ मेजर रिवैम्प. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. अच्छा, तो सबसे पहले ऐसा है कि मैं जब पाकिस्तान में थी, पीछे से मैंने अपने लिए कुछ कॉफ़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगवाई थी. ये तो सारे पॉड्स हैं कॉफ़ी के. ये आई वाज वेरी इंपेशेंट, तो मैंने अवैस को बोला था मुझे खोल के दिखाएं जब पार्सल पहुंचा था घर. और ये जो है सिरप्स हैं, ये अभी तक पैकिंग नहीं ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको पहले खोलते हैं और देखते हैं हाउ डू दे लुक, और उसके बाद इसको मैं खोल के वापस आती हूँ, फिर हम सेटिंग की तरफ चलते हैं पीछे. सो गाइज, आई हैव टेकन दैम आउट ऑफ द बॉक्स, और आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग. ये देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लास बॉटल्स हैं, तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये किया हुआ है, इनको पैक बबल रैप में और ये बड़ी मोटी वाली पैकिंग में, सो दैट ब्रेकेज ना हो. अभी मैं इनको मज़ीद खोलती हूँ, इनकी रैपिंग से बाहर निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से फ्लेवर्स ऑर्डर किए थे. अच्छा गाइज, आई वॉज अ लिटिल मिस्टेकन. ये जो सॉल्टेड कैरामल वाली बॉटल है ना, जो सबसे मोटी पैकेजिंग में थी, ये देखें ये ग्लास में है, और ये जो चॉकलेट और कोकोनट फ्लेवर्स हैं ये प्लास्टिक बॉटल्स में है, ये देखें. तो इसलिए इन्होंने उसको सिर्फ बबल रैप किया हुआ था और इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई थी. एनीवेज, ये तुरानी के सिरप्स हैं, और मैंने तीनों जो है वो शुगर फ्री सिरप्स ऑर्डर किए हैं. आई हैव सॉल्टेड कैरमल, चॉकलेट एंड कोकोनट. तो अभी तो ये ट्राई करने के बाद 750 ml की बॉटल्स हैं, और ट्राई करने के बाद पता चलेगा ये कैसे हैं. सो वी हैव अनपैक्ड आवर सिरप्स, अब चलते हैं पॉट्स की तरफ. ओके गाइस, अब पॉट्स का ये सीन है कि मेरे पास दो बॉक्सेस हैं. ये वाला जो बॉक्स है ना, जब मैंने अपनी ये नई वाली कॉफ़ी मशीन ऑर्डर की थी, इसके साथ ही मुझे डील में मिले थे, तो ये वाले पॉट्स मैंने तब ऑर्डर किए थे. 10 स्लीव्स थी आई गेस, और अभी जो है हमारे पास 8 स्लीव्स और आ गई हैं. तो ये वाले मैं ऑलरेडी यूज़ करी थी, ये पीछे जो बॉन बॉन में पड़े हुए हैं. अब कुछ दोबारा इनमें से और कुछ पॉट्स इनमें से निकाल के बॉन बॉन को फिल करते हैं, और बाकी पॉट्स फिर वैसे ही सिक्योर करके रख देंगे साइड पर. गाइज लुक, आई एम इन अ कॉफ़ी हेवन राइट नाउ. अच्छा, अभी जो है मैंने सिर्फ अपने पुराने वाले पॉट्स की जो स्लीव्स बची हुई थी वो बाहर निकाले हैं, और ये इतने सारे पॉट्स अभी बचे हुए हैं मेरे पास, एंड अभी मुझे ये वाले भी अनपैक करने हैं. तो पहले मैं आपको इनके फ्लेवर्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी, और आई थिंक मुझे कुछ वापस बॉक्स में रखने पड़ेंगे, और कुछ जो है वो बॉन बॉन में रखते हैं. अब इनके जो फ्लेवर्स हैं ना, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, तो Pardon me if I mispronounce them. I'm not a pro at pronunciation. तो कुछ सिंगल शॉट के हैं, कुछ डबल एस्प्रेसो के हैं. दिस इज़ डबल एस्प्रेसो स्क्यूरो. तो आई एम गोइंग टू एड 2 हीयर, और 2 जो हैं अभी वापस जाएंगे इस बॉक्स में, क्योंकि बॉन बॉन में इतनी जगह नहीं है. येस लव, आई नॉट. दिस वन इज़ कोस्टरिका ब्लू वाला. ये सिर्फ 3 बच्चे हुए हैं. चलो 2 इसमें डाल देते हैं रानिया, और 1 बॉक्स में. रानी, कैन यू डू इट विद दिस वन? पुट 2 ऑफ देम इन द बॉन बॉन. ओके, दिस वन इज़ LTCO, एस्प्रेसो LTCO पर्पल वाला, सेम 2 विल गो बैक. अच्छा, ये जो है ये एक दफ़ा उन्होंने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्री, जो मेरी फर्स्ट कॉफ़ी परचेज थी ना, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था, छोटा सा 10 या 12 पॉट्स का पैक, उसमें था एक मिलोजी हो, तो ये एक ही पड़ा हुआ है, तो इट विल डेफिनेटली गो इन द बॉन बॉन. रानिया वेट, यू मिक्सड एवरीथिंग अप मामा. दिस इज़ डबल एस्प्रेसो डॉल 6 और डॉल से, आई डोंट नो. And then Rania, please wait. And then this one is double espresso Bianco Doppia. I'm sorry, Rania ने ना बीच में थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, तो I lost my track. This one is
ग्रैंड लुंगो फर्टाडो, वो ऑलरेडी बोन बोन में डाल चुकी है रानिया, तो ये इसके भी दो पॉट्स हम इसमें डालते हैं और बाकी के इधर बॉक्स में। अच्छा अब ये वाला जो फ्लेवर है ना, पार्डन, अभी ये वाला जो है दिस इज़ वोल्टेसो एंड देन वी हैव चियारो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव दिस एस्प्रेसो डायवोलिटो। कितने फैंसी तो नाम है इनके। अब ये मेरा बॉक्स तो ऑलरेडी भर गया, वेयर एम आई गोइंग टू पुट दोज पॉट्स। एनीवेज इनको पहले वापस बॉक्सेस में डालते हैं। अच्छा ये जो नए वाले पॉट्स हैं ना, इनके फ्लेवर्स उन पुराने वालों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो मैं आपको यहीं से ही क्विकली इनके नाम पढ़ा देती हूँ। आई हैव टुकेंटो, प्योर ऑर्गेनिक, स्टॉर्मियो, ओरेफियो, एल्टिसियो, रिच चॉकलेट, सीजनल डिलाइट स्पाइसेस एंड देन आइस लिगिरो। तो इनके जो कलर्स हैं वो बड़े फैंसी मज़े के लग रहे हैं। आई थिंक अंदर पॉट्स के कलर्स भी ऐसे ही होंगे, तो एक दफ़ा निकाल के आप लोगों को क्विकली दिखा दूंगी। And then I promise that will be the last clip for the parts. Guys, right now we are inside a coffee world. Coffee world, and Rania is trying to help me set up. And this is just another level of coffee heaven. Guys, just look at the colors. Oh my God, they're so pretty. इनको तो use करने का दिल ही नहीं करेगा. Wow. And with this talk, I mean, I have in the box, I have in the bonbon, I have all of these pods here and three big syrup bottles. I think I'm good for next 2 to 3 months with my coffee stock. Right, Rania? I'm loving them. I'm in love. Okay, guys, we are finally done sorting our pods and syrups. Ab yahan se jo hai sabse pehle gair zaruri cheeze hain. Also, unhone kachra uthate hain. Ye shoppers maine kal dale the jab grocery karke aaye the. दीज मच्छर मार स्प्रे शुड गो आउट, ग्लासेस और डिनर सेट पड़े हुए हैं वो अलमारी में जाएंगे, रानिया का आर्ट कैनवस पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जाएंगी, टेबल भी होपफुली चेंज होगा एंड देन आई विल गेट बैक। ओके गाइस, सो देयर इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस विथ क्लीनिंग अप, सारा जो है कचरा वचरा वहाँ यहाँ से चला गया है और अभी बस मुझे ये बॉक्सेस रिमूव करने हैं, बट आई हैव जस्ट रियलाइज देयर इज़ सम स्टफ अंडर द टेबल एज वेल, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना है। आई डोंट नीड एनी कचरा इन दिस कॉर्नर बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट कॉर्नर फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब मजीद काम करते हैं थोड़ा सा और फिर वापस आते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आ गया है हमारा न्यू वाइट टेबल, इट लुक्स मच बेटर और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये ना जब मैं इस पर कॉफ़ी बनाऊँगी ना तो कॉफ़ी मशीन जो है मेरी हाइट के लेवल पे होंगी। वो वाला टेबल जो है वो बहुत लो लाइंग था तो उसके लिए मुझे नीचे झुक के बैठ के कॉफ़ी बनानी पड़ती थी एंड आई डिडंट रियली इन्जॉय दैट। इसके ऊपर हम ये मैट्स डालते हैं, आई टेक ऑफ द टैग्स, पार्डन मी फॉर दैट, और फिर आई थिंक 3 शुड बी इनफ, 1, 2, 3 इस तरह, ये मैं लगा के देखती हूँ किस तरह अच्छे लगते हैं और फिर हम अपना सेटअप बनाना शुरू करते हैं। गाइज, आई एम फाइनली डन सेटिंग अप, जस्ट अ लिटल डिकोर लेफ्ट, कुछ कैंडल्स एंड प्लांट्स वगैरह, दैट्स इट। बट आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि ये वाली जो कॉफ़ी मशीन है इसका पॉट कैनिस्टर जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, इसको खाली करते हैं इस छोटी सी बिन में और वापस लगाते हैं। फिर जो है हम इस वाली मशीन को डीस्केल करते हैं। अच्छा ये वाली जो मशीन है ना ओरिजिनल लाइन वाली, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसके जो पॉट्स भी हैं ना मेरे पास, ये देखें सिर्फ 3 पॉट्स बचे हुए हैं। आई एम नॉट एट ऑल रीस्टॉकिंग देम, मुझे अभी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आजकल, तो इसको थोड़ा कुछ अर्से के लिए ब्रेक दिया हुआ है। तो इसके पॉट्स भी जो है ना मैंने पीछे करके रख दिए ताकि मेरा टेबल जो है वो खुला खुला ऑर्गेनाइज लगे और मेस्टअप ना लगे। तो अभी हम इसमें डेकोरेशन ऐड करते हैं, फिर इस कॉफ़ी को डीस्केल करते हैं और इसमें अपने नए पॉट्स और सिरप्स के साथ एक अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। गाइज, आई फिल्ड अप द वाटर टैंक विथ फ्रेश वाटर, धो शो के साफ करके, और अब जो है हमारी कॉफ़ी मशीन डीस्केल हो रही है। डीस्केलिंग के लिए मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्या करना होता है, बट देन आई ऑलवेज गो बैक टू यूट्यूब, वॉच द वीडियो, और अभी जो है हमारा डीस्केलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। इसमें ये होता है कि कॉफ़ी जो है वो अंदर से सारी एक बार रिंस हो जाती है। नीचे मैंने ये बाउल रख दिया है तो तकरीबन ये हाफ कंटेनर जो है यूज़ हो जाता है, अच्छी तरह से मशीन साफ़ हो जाती है क्योंकि अब मैं 2-2.5 महीने के बाद यूज़ कर रही हूँ, तो आई वांट टू गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। और मीनवाइल मैं इसका जो कप होल्डर है ना इसके अंदर ये देखें थोड़े से कॉफ़ी ड्रॉप्स यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो इसको क्लीन कर लेते हैं जब तक ये खुद ही, ये देखें गंदा पानी निकल रहा है, जो अंदर कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स या जो कुछ भी था ना वो खुद ही ये बाहर निकाल देगी अपना पूरा टाइम लेके जब तक मैं ये धोवाती हूँ।
ये देखें अब एक साइकिल पूरा हो गया है, दिस लाइट इज स्टिल ब्लिंकिंग। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, जब पूरी क्लीन हो जाएगी ना अंदर से जो येलो ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये बिल्कुल स्टेडी ग्रीन हो जाएगी। और अभी जो सेकंड साइकिल वाला पानी है ना वो बिल्कुल साफ आ रहा है, लुक एट दिस, बिल्कुल क्लियर। जो फर्स्ट वाला था उसमें से ये सारे कॉफ़ी के पार्टिकल्स निकले थे। फाइनली वी हैव द स्टेडी ग्रीन लाइट, दी स्केलिंग इज डन। अब मैं ये वाला पानी वापस डाल, इसको रीफिल कर दूंगी, ये तो साफ ही है, लेकिन आई जस्ट दोबारा से फुल कर दूंगी टैंक को, और इसको वेस्ट पानी को गिरा के आते हैं। टडा, वी आर डन, हैप्पी डैपी गाइस, दिस इज फाइनली डन। ओ माय गॉड, दिस इज अ मेजर 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 ट्रांजिशन। इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ इट। माय कॉफी मशीन इज स्टिल ऑन। नो, ये इसका ये अच्छा है कि ये ना ऑटोमेटिकली कुछ मिनट्स के बाद ऑफ हो जाती है, अगर आप करना भूल भी जाएं तो यू डोंट नीड टू कीप वरिंग अबाउट इट। ये एलईडी कैंडल्स हैं, रानिया से बोरो की हैं मैंने, उसकी हैं ये बेसिकली। और ये जो हैं 20 वैक्स कैंडल्स हैं, ये मैंने इधर ऐसे डेकोरेशन के लिए रखी हैं। आई डोंट फील लाइक बर्निंग देम, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उनकी सारी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो जाती है। और बस दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको लगता है इसमें अभी मज़ीद किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या किसी तरीके से इट कैन बी डन इवन बेटर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई बी वेटिंग फॉर योर रिव्यूज़। सो गाइज, आई एम फाइनली गोइंग टू मेक माई फर्स्ट कॉफ़ी फ्रॉम माई न्यू कॉफ़ी सेटअप। आई एम गोइंग विद द पॉड आइस लिगिरो व्हाटएवर विद सम कोकोनट सिरप, बिकॉज पता नहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, गर्मी इतनी लग रही है काम कर करके के आई फील लाइक ड्रिंकिंग दिस। तो पहले मशीन को ऑन करते हैं, जब तक ये स्टेडी ग्रीन नहीं हो जाती। ब्लिंकिंग का मतलब है इट्स स्टिल गेटिंग रेडी, जैसे ये ब्लिंक करना बंद होएगी इट विल बी डन। और साथ में मिल्क फ्रॉदिंग के लिए रखते हैं। जी जनाब, तो अवर मिल्क इज़ गेटिंग फोम्ड, कोल्ड फोम बनेगा। इट मेक्स बोथ हॉट एंड कोल्ड, तो ऑब्वियसली मुझे भी कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो आई विल मेक कोल्ड फोम। इसको खोलते हैं, लेट अस पुट इन आवर पॉड। यस रानिया, यू कैन डू दैट। एंड इट जस्ट टेक्स अ वाइल बिफोर द कॉफी कम्स आउट, जस्ट अ लिटल वाइल। रानिया को ना मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी मशीन में। फोम तो बन भी गया, हॉट फोम जो होता है ना उसे बनाने में टाइम लगता है, बिकॉज दूध साथ गर्म भी होना होता है। ये कोल्ड फोम जो होता है ये बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि यू डोंट नीड टू यू नो, ठंडा ही रहता है दूध और वो सिर्फ झाग बना देता है ऊपर से। अभी हमारा एस्प्रेसो निकलेगा, मीनवाइल हम अपने स्मूदी जार में जो है आइस और दूध डालते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द एस्प्रेसो शॉट। इसमें मैंने बर्फ़ और दूध डाल दिया, और अभी मैं इसी कॉफ़ी में ही ना ब्रूड कॉफ़ी में ही कोकोनट सिरप डाल देती हूँ। यूजुअली वी कैन मेजर इट लाइक अराउंड 150 ml डलता है एक कप कॉफ़ी में, लेकिन मैं 2 tablespoons डाल रही हूँ। अभी मेरे अंदर इतना स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, मैं काम कर करके थकी हुई हूँ, तो आई एम जस्ट एडिंग 2 tablespoons ऑफ द कोकोनट सिरप। एडिड, द सिरप स्मेल्स अमेजिंग। अब हम ये एस्प्रेसो और सिरप के मिक्सचर को डाल रहे हैं अपने स्मूदी जार में, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस फ्रॉड। और कोकोनट नहीं, और आइस्ड कोकोनट लिगिरो, इनके नाम क्यों इतने मुश्किल हैं, जो भी है दैट्स रेडी। अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड एंड वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो गाइज, ये थी हमारी आज की छोटी सी तो नहीं है, काफ़ी लंबी सी ऑल अबाउट कॉफ़ी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, तो आपको पता है ना कि क्या करना है। यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, बाय बाय।